Hello friends, today we are going to present the second part of the biography of Shri Narendra Modi, the honorable Prime Minister of India. We pay our respect to our beloved Prime Minister. Keep watching till the end. So let's start. First, Pradhan Mantri, नरेंद्र मोदी का 26 मई 2014 से भारत के 15वें प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण के पश्चात प्रारंभ हुआ मोदी के साथ 45 अन्य मंत्रियों ने भी समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 46 में से 36 मंत्रियों ने हिंदी में जबकि 10 ने अंग्रेज़ी में शपथ ग्रहण की समारोह में विभिन्न राज्यों और राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों सहित दक्षेस देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया इस घटना को भारतीय राजनीति की राजनयिक कूटनीति के रूप में भी देखा जा रहा है दक्षेस देशों के जिन प्रमुखों ने समारोह में भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं: अफगानिस्तान राष्ट्रपति हामिद करज़ी बांग्लादेश संसद की अध्यक्ष शरीन शर्मिन चौधरी भूटान प्रधानमंत्री शेरिंग टोगे मालदीव राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयून मॉरिशस प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम नेपाल प्रधानमंत्री सुशील कोयराला पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ श्रीलंका प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम अन्ना द्रमुक और राजक का घटक दल मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कजगम एम डी एम के नेताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार के श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के फैसले की आलोचना की एमडीएम के प्रमुख वायकों ने मोदी से मुलाकात की और निमंत्रण का निर्णय बदलवाने का प्रयास की जबकि कांग्रेस नेता भी एमडीएम के और अन्ना द्रमुक आमंत्रण का विरोध कर रहे थे श्रीलंका और पाकिस्तान ने भारतीय मछुआरों को रिहा किया मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित देशों के इस कदम का स्वागत किया इस समारोह में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था इनमें से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार मैया कांग्रेस और केरल के मुख्यमंत्री उमन चांडी कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयलिता ने समारोह में भाग न लेने का निर्णय लिया जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जगह मुकुल रॉय और अमित मिश्रा को भेजने का निर्णय लिया वडोदरा के एक चाय विक्रेता किरण महिदा जिन्होंने मोदी की उम्मीदवारी प्रस्तावित की थी को भी समारोह में आमंत्रित किया गया अलवत्ता मोदी की मां हीराबेन और अन्य तीन भाई समारोह में उपस्थित नहीं हुए उन्होंने घर में ही टीवी पर लाइव कार्यक्रम देखा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नृपेंद्र मिश्रा को अपने प्रधान सचिव और अजीत डोभाल को कार्यालय में अपने पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में नियुक्त किया उन्होंने आईएएस अधिकारी एके शर्मा और भारतीय वन सेवा अधिकारी भारत लाल प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है दोनों अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में मोदी की सरकार का हिस्सा थे 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मौजूदा मंत्रियों के समूह गोएमएस और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ईगम्स को समाप्त कर दिया पीएमओ के एक बयान में बताया गया है यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और प्रणाली में अधिक जवाबदेही की शुरुआत करेगा मंत्रालय और विभाग अब ईजीओएम और गोम्स के समक्ष लंबित मुद्दों पर कार्रवाई करेंगे और मंत्रालयों के स्तर पर उचित निर्णय लेंगे विभागों को ही यूपीएटू सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अड़सठ गोएम और 14 ईगम की स्थापना की थी जिनमें से 9 ईगम और 21 गोएम को नई सरकार द्वारा विरासत में मिली थी भारतीय मीडिया द्वारा इस कदम को न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की मोदी की नीति के साथ संरेखण में बताया गया इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि गोएमिस और ईगम्स पिछली यूपीए सरकार के दौरान एक प्रतीक और नीतिगत पक्षाघात का एक साधन बन गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया ने नई सरकार के फैसले को निर्णय लेने में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकार को बहाल करने और मंत्रिस्तरीय योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक कदम के रूप में वर्णित किया ग्रामीण विकास पंचायती राज के प्रभारी और पेयजल और स्वच्छता विभागों के नए नियुक्त कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को दिल्ली में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन के प्रभारी हैं, 4 जून को मुंडे के पोर्टफोलियो की देखभाल के लिए राजमार्गों और शिपिंग को सौंपा गया था 10 जून 2014 को सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक अन्य कदम में मोदी ने मंत्रिमंडल की चार स्थायी समितियों को समाप्त कर दिया उन्होंने पांच महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया इनमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस शामिल है जो सभी उच्च स्तरीय रक्षा और सुरक्षा मामलों को संभालती है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ए जो राष्ट्रपति को सभी वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों और पोस्टिंग की सिफारिश करती है कैबिनेट कमेटी ऑन पोलिस अफेयर्स सी जो एक प्रकार की छोटी कैबिनेट और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 24 मई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया राष्ट्रपति ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए और मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के पद संभालने तक जारी रहें। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपाय 2017 में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी ने तेल अवीव इसराइल में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का दौरा किया भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष जांच दल सिट की स्थापना योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा समस्त भारतीयों के अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति 45 परसेंट का कर देकर काला धन घोषित करने की छूट सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति रेल बजट प्रस्तुत करने की प्रथा की समाप्ति काले धन तथा समांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए 8 नवंबर 2016 से 500 तथा 1000 के प्रचलित नोटों को अमान्य करना भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध शपथ ग्रहण समारोह में समस्त दक्षेश देशों को आमंत्रण सर्वप्रथम विदेश यात्रा के लिए भूटान का चयन ब्रिक्स सम्मेलन में नए विकास बैंक की स्थापना नेपाल यात्रा में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अमेरिका व चीन से पहले जापान की यात्रा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग करने में सफल जुलाई 2017 में इसराइल की यात्रा इसराइल के साथ संबंधों में नए युग का आरंभ सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल इंडिया एक जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने या देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है डिजिटल इंडिया में तीन मुख्य घटक होते हैं सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया उसके बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐसी पहले की जिनकी जनता के बीच खूब चर्चा रही स्वच्छता भारत अभियान भी ऐसी ही पहलों में से एक है सरकार ने जागरूकता अभियान के तहत लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करने की दिशा में कदम उठाए देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भी अभियान के तहत प्रचार किया साथ ही देश भर में शौचालयों का निर्माण भी कराया गया सरकार ने देश में साफ सफाई के खर्च को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत चुंगी सेस की भी शुरुआत की स्वच्छ भारत मिशन का प्रतीक गांधी जी का चश्मा रखा गया और साथ में एक एक कदम स्वच्छता की ओर टैग लाइन भी रखी गई स्वच्छ भारत अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की इस अभियान का उद्देश्य पांच वर्ष में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है ताकि बापू की एक जयंती को इस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में मनाया जा सके स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करता है प्रधानमंत्री ने मृदुला सिन्हा सचिन तेंदुलकर बाबा रामदेव शशि थरूर अनिल अंबानी कमल हसन सलमान खान प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम जैसी नौ नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया कि वे भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें लोगों से कहा गया कि वे सफाई अभियानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें और अन्य नौ लोगों को भी अपने साथ जोड़े ताकि यह एक श्रृंखला बन जाए आम जनता को भी सोशल मीडिया पर हैश टैग इंडिया लिखकर अपने सहयोग को साझा करने के लिए कहा गया एक कदम स्वच्छता की ओर मोदी सरकार ने एक ऐसा रचनात्मक और सहयोगात्मक मंच प्रदान किया है जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करता है यह मंच प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों और संगठनों के अभियान संबंधी प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है कोई भी व्यक्ति सरकारी संस्था या निजी संगठन अभियान में भाग ले सकते हैं इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके दैनिक कार्यों में से कुछ घंटे निकालकर भारत में स्वच्छता संबंधी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है स्वच्छता ही सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को स्वच्छता ही सेवा अभियान आरंभ किया और जनमानस को इससे जुड़ने का आग्रह किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 सौ जयंती वर्ष के औपचारिक शुरुआत से पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है इससे पहले मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गों के करीब 2000 लोगों को पत्र लिखकर इस सफाई अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके रक्षा नीति भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने एवं उनका विस्तार करने के लिए मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने रक्षा पर खर्च को बढ़ा दिया है सन 2015 में रक्षा बजट 11 परसेंट बढ़ा दिया गया सितंबर 2015 में उनकी सरकार ने समान रैंक समान पेंशन वन रैंक वन पेंशन की बहुत लंबे समय से की जा रही मांग को स्वीकार कर लिया मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के नागा विद्रोहियों के साथ शांति समझौता किया जिससे 1950 के दशक से चला आ रहा नागा समस्या का समाधान निकल सके 29 सितंबर 2016 को नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक सीमा पर चीन की मनमानी का कड़ा विरोध और प्रतिकार। 26 फरवरी 2019 को मोदी पाकिस्तान में बालाकोट आतंकवादी शिविर में हवाई हमले को अधिकृत करता है घरेलू नीति हजारों एनजीओ का पंजीकरण रद्द करना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय न मानना तीन बार तलाक कहकर तलाक देने के विरुद्ध निर्णय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर लगाम आमजन से जुड़ने की मोदी की पहल देश की आम जनता की बात जाने और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी ने लोगों के विचारों को जानने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न योजनाओं से जुड़ने की अपील की 2019 लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तेरह अक्टूबर 2018 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया था पार्टी के मुख्य प्रचारक भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह थे मोदी ने आम चुनाव से पहले मैं भी चौकीदार हूं अभियान की शुरुआत की वर्ष 2018 में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे के मामले को लेकर एनडीए से अलग पार्टी का दूसरा तेलुगु देशम पार्टी का विभाजन हो गया नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पहले प्रीमियर में किए गए विकास और शानदार काम को देखते हुए उन्हें 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार और मुख्य चेहरे के रूप में फिर से घोषित किया गया था लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी की स्थिति पूरे 2019 के चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के एकमात्र चेहरे के रूप में चित्रित किया इसके कारण चुनाव को लोकतंत्र में टकराव के रूप में देखा गया और इसे एकदलीय प्रणाली का भोर कहा गया विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मज़बूत चेहरा भी नहीं था कई हिंदू नेताओं और संतों ने अपने हिंदुत्व के आदर्शों के कारण अपने अनुयायियों से नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेताओं जैसे विवेक ओबेरॉय कंगना रनौत हंसराज हंस अनुपम खेर पायल रोहतगी और अन्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया अनुराग कश्यप नसीरुद्दीन शाह सहित बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और अन्य लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जनता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के कारण मुसलमानों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता पर विपक्ष ने भी मोदी की आलोचना की मोदी ने रक्षा की बात की और राष्ट्र सुरक्षा को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में देखा गया खासकर पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट हवाई हमले के जवाबी हमले को मोदी प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया परिणाम मोदी ने वाराणसी से उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा उन्होंने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को हराकर सीट जीती जिन्होंने सपा बसपा गठबंधन को चार मतों के अंतर से हराया गठबंधन के बाद दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद मोदी को दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया अकेले भाजपा के साथ 303 सीटें जीतकर लोकसभा में तीन सीटें हासिल की